नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से पंचऋषि क्लासेस में स्वागत है। संकल्प 2021 मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और आज उसी क्रम में हम लोग अपना निरंतर अध्ययन करेंगे। पहली क्लास आज से प्रारंभ होती है। हम लोगों ने बताया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का काल है वो 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है। औरंगजेब को हम मध्यकाल के भारत में अध्ययन करते हैं। 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब से उनका उत्तरवर्ती मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वो प्रारंभ हो जाएंगे और ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो उत्तरवर्ती मुगल काल से लेकर हम अध्ययन करेंगे देश की आज़ादी और देश की आज़ादी के बाद का, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का क्रम रहेगा। इसमें 1707 से लेकर 1757 जब तक कि प्लासी का प्रथम युद्ध होता है तब तक का जो इतिहास है ये इतिहास मेंस परीक्षा में नहीं पूछा जाता। 1707 से लेकर 1757 तक हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ से प्रीलियम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अगर ना भी आए तो कम से कम एक समझ उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल, और उत्तरवर्ती मुगल काल को प्रारंभ करने से पहले हमको वो परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी राजनीतिक दृष्टिकोण से कि उस वक्त भारत की स्थिति थी क्या, या किस प्रकार क्या कारण था कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसको हम लोग मुगल साम्राज्य कहते हैं, बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक हम लोग पहुंच गए थे मध्यकाल के भारत में, एक बड़ा साम्राज्य इतना बड़ा विकसित होने के बावजूद भी उसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां रही, या उसके शासकों में ऐसी कौन कौन सी कमियां रही जिसके कारण वह अतः पतन की तरफ बढ़ना प्रारंभ हुआ। तो हम लोग यहां पर दो तरीके से करेंगे। हम मेंस के लिए लिखते चलेंगे जब 1757 आएगा, और तब तक हम लोग नोट्स भी बनाएंगे और समझते हुए भी चलेंगे। पुस्तक मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोग चाहें तो शेखर बंदोपाध्याय ले लीजिएगा, चाहें आप लोग और अन्य पुस्तकें जो मैंने बताई थी, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, आप किसी एक बुक को जरूर खरीद लीजिएगा। क्योंकि जिस टॉपिक को मैं यहाँ पर कराऊंगा उसको आप घर पर एक बार देखिएगा, और जब मेंस राइटिंग आएगा तब मैं आपको मेंस के क्वेश्चन की राइटिंग को भी बताता चलूंगा कि आज आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। डेली मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा, जो भी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मेंस राइटिंग के लिए भी मिलता रहेगा, बल्कि प्रीलियम्स के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है। आप सबको नोट करते चलिएगा मेरे साथ। और उसके बाद सबसे पहले दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे ब्लैंक मैप लेने होंगे इंडिया के। आप भारत के बहुत ज़्यादा ब्लैंक मैप ले लीजिए, बड़े साइज वाले लीजिएगा, जिससे कि आपको मार्किंग करने में मदद मिले, ठीक है। हमको सिर्फ या तो पेपर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, और पेपर पर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानचित्र को लीजिएगा, उस पर ड्रॉ कीजिएगा, मैं ड्रॉ करवाऊंगा और आप उसको नोट्स के साथ लगाते रहिएगा, जिससे कि जब मेंस का हम आंसर राइटिंग लिखें तब हमारे लिए एक बड़ी और विकसित सोच विकसित हो चुकी होगी। तब यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है, इस क्लास का जो लक्ष्य है वो मेंस राइटिंग है, प्रीलिम्स मेंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा अध्ययन है वो है कि क्या कारण है जिससे मुगलों का पतन हुआ, यानी कि मुगलों के पतन के कारणों की आज हम लोग समीक्षा करेंगे। मुगलों के पतन के कारण, हेडिंग डाल लीजिएगा मुगलों के पतन के कारण, मुगलों के पतन के कारण, मुगलों के पतन के कारण। देखिए, मुगलों के पतन के कारण जानने से पहले मैंने यहां पर दो मानचित्र बनाए हैं। इन दो मानचित्र को देख लीजिएगा कि ये मानचित्र क्या कह रहे हैं। इसमें जो पहला मानचित्र है ऊपर वाला, ये मानचित्र है जब अकबर का शासन समाप्त हुआ था, और नीचे वाला मानचित्र है जब औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ था। उस वक्त उनको कहां कहां तक विस्तारित थे उसका इसमें चित्रण किया गया है, तो ऐसा चित्रण आप लोग भी कर लीजिएगा। देखते हैं हम अकबर के शासन के समय कौन कौन लोग इनके अधीन थे। तो यहाँ से काबुल और कंधार से ये क्रम प्रारंभ होता है, दिल्ली होते हुए उधर अहमदाबाद और पूर्वी राज्य होते हुए ये पहुँचता है बरार तक। बरार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र तक ये पहुँचता है। बचता क्या है? बचता है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और इधर गोंडवाना का क्षेत्र। देखिए डॉटेड लाइन लगाई है मैंने,
इस डॉटेड लाइन के ऊपर तक, इस डॉटेड लाइन के ऊपर तक सारे क्षेत्र में अकबर का शासन था, यानी कि मुगल साम्राज्य था। अकबर ने दक्षिण भारत की तरफ आने का प्रयास नहीं किया था। दक्षिण भारत, इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर और सांझा आए, ये लोग सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही व्यस्त रहे, अभी हम उनका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब औरंगजेब आता तो उसने अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने का प्रारंभ किया। इसकी निगाह खटकती थी कि ये दक्षिण का हिस्सा कैसे छूटा हुआ है, और इसने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, यानी कि सैनिक कार्यक्रम ने प्रारंभ कर दिया दक्षिण भारत की तरफ विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से। और देखते ही देखते ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सारे पर अधिकार कर लेता है। बचता एक छोटा सा हिस्सा जो कालीकट, कोचीन और पोलीमार का हिस्सा है, सुदूर दक्षिण का एक छोटा सा हिस्सा बसता है जहां औरंगजेब अपना अधिकार नहीं कर पाता है, वरना पूरे भारतवर्ष पर औरंगजेब का अधिकार हो गया था। तो ये दो मानचित्र आप लोग देखिएगा, इस मानचित्र की मदद से कई सारी चीजें आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर समझ में आएंगे। तो पहले तो इस मानचित्र को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा कि अकबर के समय कहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था, उसके बाद औरंगजेब के समय कहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था, उसके बाद हम लोग यहां पर हेडिंग बाई हेडिंग समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। देखिए आप लोगों को मालूम है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, और बाबर यहां पर जब आक्रमण किया था तो बहुत अच्छी उसके पास ना सेना थी बहुत ज्यादा, और ना ही कुशल नेतृत्व था। कुशल ज्यादा जो सैनिक थे वो ज्यादा सीखे हुए थे, संख्या भी बहुत सीमित थी, और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके पास कुछ चीजें थी, जैसे उसकी स्वयं की कार्य क्षमता, वो स्वयं में बहुत सक्षम था, स्वयं में वो कार्य कुशल था, स्वयं में बहुत बड़ा अच्छा रणनीतिकार था, और उसने आकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद जो उसके शासक हुए, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक, ये लोग स्वयं में बहुत योग्य लोग थे, इनको दूसरे पर निर्भरता नहीं रहती थी। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आता है, औरंगजेब का शासन जिस वक्त आता है, आप उस वक्त की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि औरंगजेब अपने पिता को जेल में डालकर शासक बनता है, राजा बनता है। अब ये जो औरंगजेब है ये किसी पर विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था। ऐसे लगता था कि ना जाने कौन सा पुत्र विद्रोह कर दे और वो भी मुझे जेल में डालकर शासन संभाल ले। इसलिए वो सभी पर संदेह की निगाह रखता था, और यही संदेह की निगाह रखने वाला औरंगजेब अपनी कई सारी नीतियों की वजह से इस महान मुगल साम्राज्य को समाप्त करने पर अड़ गया था। हालांकि उसको लग रहा था कि वो साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पीछे जाकर जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार वीडियो का रिव्यू होता है, रिव्यू का मतलब पीछे पलट कर देखिएगा तो उसमें कोई ना कोई क्लू मिलता है हमारे लिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलत हुई थी। उसी प्रकार जब हम इतिहास को उल्टा पढ़ते हैं तब देखते हैं कि इतिहास के उन पन्नों में उन राजाओं की कुछ ना कुछ गलतियाँ छिपी हुई हैं और उन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बाबर के समय होते होते औरंगजेब का समय आ गया, और औरंगजेब के समय से ही मुगल साम्राज्य का पतन का प्रारंभ हो चुका था। कुछ नीतियां औरंगजेब की थी और कुछ नीतियां उसके बाद के शासकों की रही। अब हम उन्हीं सारी नीतियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा पतन के कारण, डाल दिया है पतन के कारण। पहला लिखिएगा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, आप लोगों को दिख रहा है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण के अंतर्गत आप पहला लिखिएगा एक अकर, राजनीतिक कारण के अंतर्गत एक अकर लिखिएगा, लिखिएगा कमजोर उत्तराधिकारी, ए लिखिएगा कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी का अर्थ क्या है? अगर हम मुगल शासन की शासन व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमको ये दिखाई देगा कि मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी वो एकीकृत थी, केंद्रीयकृत थी। उसने उसका विभाजन नहीं किया, ना तो उसने अपने पुत्रों को कोई अधिकार दिया और ना ही उसका विकेंद्रीकरण किया।
सब कुछ निर्भर था राजा के ऊपर, और राजा के ऊपर जब सब कुछ निर्भर था तो राजा की योग्यता ये निर्धारित करती है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी। अगर हम औरंगजेब और औरंगजेब से पूर्ववर्ती राजाओं को देखें मुगल दरबार के, तो हम देखते हैं कि वो शासक स्वयं में खुद इतने सक्षम थे कि और उनमें योग्यता भरी हुई थी कि वह शासन को चला सकते थे। लेकिन जब हम उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राजा थे वो इतने कमजोर हो चुके थे, उनमें योग्यता का इतना अभाव आ चुका था कि उनके समय में अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है या अंदर से ही कोई विद्रोह होने लगता है तो वो उसको दबाने में सक्षम नहीं थे, स्वयं में योग्य नहीं थे, विलासिता में डूबे रहते थे और बस वो काम चला रहे थे। और जब भी कोई सरदार अंदर से उनके विरोध में खड़ा होता था तो वो उसको स्वतंत्रता प्रदान करते थे। हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जिस सरदार ने विद्रोह किया उसने उसका बहुमत स्वतंत्र शासक बना दिया, जिनमें हम लोग देखेंगे निजामुल मुल्क था, चिंगलीज खां था, सादत अली खां था आदि आदि, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वयं में सक्षम तो थे लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहते थे। और वहाँ के मुगल सरदार मुगल राजाओं को ये एहसास हुआ कि वह इनका सामना नहीं कर सकते तो वह हथियार डाल दिया करते थे, बल्कि हमने पूर्ववर्ती समय में देखा कि उस विद्रोह को दबाया जाता था। लेकिन उत्तरवर्ती समय में हम देखेंगे कि विद्रोह को दबाने की क्षमता, क्योंकि राजा स्वयं में सक्षम नहीं है, उस वजह से वह किसी भी विद्रोह या बाहरी आक्रमण का सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, तो औरंगजेब के क्या है, कमजोर उत्तराधिकारी होने की वजह से शासन सत्ता बिगड़ती चली गई और ये विभिन्न हिस्सों में बढ़ गई। दूसरा कारण राजनीतिक कारण में बी लिखिएगा, साम्राज्य का बृहद आकार। साम्राज्य का बृहद आकार, साम्राज्य का बृहद आकार का मतलब है बहुत बड़ा साम्राज्य। आप खुद इस मैप में देखिएगा, काबुल कंधार से लेकर पूरा उत्तर भारत, पूरा मध्य भारत और लगभग पूरा दक्षिण भारत औरंगजेब के अधीन था। अफगानिस्तान से लेकर और दक्षिण में केरल को छोड़ दीजिए आप, बाकी पूरा हिस्सा औरंगजेब के अधिकार में था। अब आप सोचिए कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, वो भी दिल्ली में बैठकर, कैसे संभव था। तो एक केंद्रीयकृत होने की वजह से और साम्राज्य का बृहद आकार होने की वजह से संभव नहीं था कि उस पर कंट्रोल किया जाता। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी स्थान पर विद्रोह होता तो सेना को दिल्ली तक, दिल्ली से उस स्थान तक आते आते बहुत समय लग जाता, क्योंकि उस वक्त कोई एयरप्लेन तो थे नहीं, घोड़े से आया करते थे। तो दिल्ली से कोई भी सेना अगर आती यहाँ तक तब उसके लिए बहुत समय मिलता, तब तक वो स्थानीय सरदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता। ठीक है, तब तक वो सरदार क्या करता था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता था स्थानीय मदद की हेल्प से, सेना तो उसके अधीन थी, स्थानीय लोगों की मदद से वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता। और राजा में इतना अधिकार नहीं था, राजा को इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन सरदारों का विरोध कर सके या विद्रोह को उसको दबा सके। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र वाले हिस्से में मराठों का उस वक्त उत्कर्ष हो रहा था और मराठे एक बात को लेकर चल रहे थे, वो थे हिंदू पदशाही को लेकर, और यहाँ की जो जनता थी, अधिकांश जनता वो हिंदू थी, और हिंदू पदशाही का जब नारा दिया मराठाओं ने तो बहुत सारी जनता और बहुत सारे सरदार उनके साथ हो लिए। हम लोग जब मराठों का अध्ययन करेंगे और पेशवाओं का अध्ययन करेंगे तब तो हम देखेंगे कि पेशवा दिल्ली तक पहुँच गए थे और वहाँ से बहुत सारा धन मिलने के बाद वो वहाँ से चले आए थे, लेकिन वो दिल्ली तक पहुँच चुके थे। ठीक है, तो इन साम्राज्य का बृहद आकार होने की वजह से संभव नहीं था कि हम पूरे साम्राज्य को दिल्ली में बैठकर चला सकते हों। ठीक है, तीसरा जो कारण था वो था मुगल अभिजात्य वर्ग का पतन। मुगल अभिजात्य वर्ग का पतन, मुगल अभिजात्य वर्ग का पतन। मुगल अभिजात्य वर्ग का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर उस समय अमीर वर्ग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और वो पूरी शासन सत्ता को अपने कंट्रोल में रखता था, जिसको उमरा वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर वर्ग या फिर उमरा वर्ग,
जब बाबर भारत पर आक्रमण करने आया था तो वे स्वयं में बहुत ज्यादा सक्षम व्यक्ति था। चाहे भले ही वो आक्रमणकारी हो लेकिन व्यक्ति अच्छा था, और उसके साथ जो सरदार आए थे वो भी जमीन से जुड़े हुए लोग थे, उनमें भी कार्य क्षमता थी, योग्य लोग थे, कार्य कुशलता थी, अच्छे रणनीतिकार थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें भारत का साम्राज्य मिलता चला गया वैसे वैसे उन लोगों के पास धन आता चला, और धन जैसे जैसे आया वैसे वैसे साम्राज्य में विलासिता आनी शुरू हो गई। अब जो सरदार थे या जो वर्ग दरबार में बैठता था वो भोग विलासिता में डूबा रहता था। जब वो व्यक्ति भोग विलासिता में डूबेगा तो उसकी कार्य क्षमता, उसकी कुशलता और उसकी योग्यता का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही उस वक्त हुआ था कि मुगल साम्राज्य के जो अभिजात्य वर्ग था, उमरा वर्ग था, वो उमरा वर्ग भोग विलासी हो गया, और भोग विलासिता में डूबने की वजह से वह उसके अंदर की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता कम होती चली गई। अब इनमें से कोई एक व्यक्ति अगर विद्रोह कर देता है तो बाकी लोगों में यह क्षमता नहीं है कि वह उस विद्रोह का सामना कर सके, और यही कारण था कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हर किसी के लिए ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारे लोग योग्य लोग थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र भी किया, जिसमें बंगाल का शासक था मुर्शिद कुली खां और चिनमिलिज खां था, निज़ामुल्मुल्क कहते हैं, और सादत अली खां था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे सरदार थे मुगल दरबार में जो योग्य थे, लेकिन वो योग्यता अपने ही क्षेत्र तक सीमित रखते थे, या उनकी योग्यता का जो इस्तेमाल होता था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए हुआ करता था। लेकिन अधिकांश सरदार जो कि अभिजात्य वर्ग से जुड़े हुए थे, उमरा वर्ग से जुड़े हुए थे, वो मुगल दरबार में थे, वो लोग भोग विलासी होने की वजह से उनके अंदर की जो क्षमता थी, कार्यकुशलता थी और योग्यता थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ठीक है, तो अभिजात्य वर्ग का क्या हुआ, पतन होना शुरू हुआ। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है दरबार में गुटबंदी। दरबार में गुटबंदी, दरबार में गुटबंदी। देखिए, दरबार में गुटबंदी को आप लोग बड़े स्पष्ट रूप से समझिए कि जब बाबर का आक्रमण हुआ था, बाबर के बाद हुमायूं का, हुमायूं भी रहा, इन लोगों ने विभिन्न वर्गों को अपने उमरा वर्ग में शामिल किया था, विभिन्न भाषी लोगों को, जिसमें तुर्की भाषी थे, फारसी भाषी लोग थे, जिनको ईरानी, तुर्रानी, अफगानी और हिंदुस्तानी मुसलमान, यानी कि इनके उमरा वर्ग में चार प्रकार की कैटेगरी थी। कौन कौन सी? ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, ईरानी, तुर्रानी, अफगानी और भारतीय मुसलमान। तो इस तरह जो पूरा दरबार था वो इन चार ग्रुप में बट गया था। उमरा वर्ग क्या हुआ, इन चार ग्रुप में बट गया था, ईरानी, तुरानी, अफगानी और भारतीय मुसलमानों के में आपस में विभक्त हो गया, और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप की टांग खिंचाई में लगा रहता था। जैसे एक ग्रुप से कोई गलती होती थी तुरंत जाकर महाराज के कान भर दिए जाते थे, और उस वर्ग को महत्वपूर्ण पदों से हटाने की एक षड्यंत्र सा चढ़ना शुरू हो गया। यानी कि जो ये आपस के लोग हैं, जो गुट के लोग हैं, ये खुद आपस में लड़ने लगे, और जब विदेशी से या किसी दूसरे से आक्रमण करने की बात होती थी तो ये आपस में ही मिलजुल कर रणनीति नहीं बना पाते थे, और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये युद्धों में भी परास्त होने शुरू हो गए। इसमें कई सारे गुट ऐसे थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का भी साथ दिया था। जैसे अगर हम बात करें तो निज़ामुल्मुल्क की बात करें तो निज़ामुल्मुल्क ने नादिर शाह के आक्रमण के समय, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था, उस वक्त नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जो उत्साहित करने व्यक्ति था वो निज़ामुल्मुल्क चिनकलिज खां ही था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपस की गुटबंदी के कारण ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने लगे, युद्ध के मैदान में भी और दरबार के अंदर भी। लेकिन जो शासक था वो इतना सक्षम नहीं था कि वे इनकी आपसी लड़ाई को सॉल्व कर सके। ठीक है, उसमें सक्षमता की कमी थी। जबकि हम लोगों ने देखा इससे पहले भी उमरा वर्ग था, इससे पहले भी गुट हुआ करते थे, अफगानी, ईरानी, तुरानी हमेशा से रहे हैं, लेकिन राजा इतना सक्षम था, राजा की इतनी शक्ति थी कि इनको आपस में लड़ने के लिए ना तो समय मिल पाता था, ना इनमें इतनी हिम्मत थी कि ये राजा के सामने आपसी लड़ाई को दिखा सके। लेकिन जैसे ही कमजोर शासक आने शुरू हुए, इन लोगों की लड़ाई भी पृष्ठ पर निकलकर सामने आने लगी। साथ में इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का भी साथ देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए।
इसके अलावा पांचवा जो कारण है राजनीतिक कारणों में, वह उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम, उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम, उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम क्या है? आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ा होगा, जनरली एक बार निकल के आती है कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राजा बनता है, और उसकी मृत्यु होती है अगर उसकी संतान है तो वो राजा बनेगी, नहीं तो उससे फिर उसके दूसरे नंबर का जो भाई है वो राजा बनेगा। तो ये एक अघोषित एक प्रोटोकॉल था जिसका पालन करना होता था, लेकिन मुगल दरबार में ऐसा कोई नियम नहीं था। मुगल दरबार में यह तो था कि लड़ाई करो, जो जीतेगा वो राजा बनेगा, ये कोई नियम नहीं था। इसकी वजह से क्या होता था, जैसे ही कोई शासक या कोई जैसे ही कोई राजा की मृत्यु होती थी या समाप्त होता था तो उसके जो पुत्र होते थे वो आपस में लड़ भिड़ पड़ते थे, और लड़ने भिड़ने की वजह से उनकी शक्तियां कमजोर होने लगती थी, बहुत सारी सेना का ह्रास हुआ करता था। तो ये जो त्रुटिपूर्ण नियम था, ज्येष्ठता का नियम कहलाता है, वैसे जो गद्दी पर बैठता है वो ज्येष्ठता का नियम कहलाता है कि जो बड़ा होगा, जो ज्येष्ठ होगा वही गद्दी का हकदार होगा। बाकी लोगों को विभिन्न स्थानों का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन मुगल दरबार में ऐसा कोई नहीं था। उसमें तो आपस में लड़ते थे और आपस में लड़ने में जो विजयी होता था वो गद्दी पर बैठता था, चाहे वो सबसे छोटा ही क्यों ना हो। तो इस नियम की वजह से हर बार जब भी कोई शासक की मृत्यु होती थी तो उसके उत्तराधिकारियों में ये संघर्ष छिड़ जाता था, और ये हर बार हर शासक की मृत्यु के बाद देखने को मिला था। तो ये जो गलत नियम था उसकी वजह से मुगल साम्राज्य का भी पतन होने का एक जिम्मेदार कारकों में हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी शक्ति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी जो थी मराठा, यानी कि इन मराठों का, मराठों की उत्पत्ति कर लीजिएगा, मराठों की उत्पत्ति जो हुई थी इसने बहुत बड़ा आघात पहुंचाया मुगल दरबार के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए। और हम लोगों ने बताया कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पेशवा दिल्ली तक आ चुका था, इतना साम्राज्य इसका संकुचित हो गया था, और यह पेशवा इतने बहादुर थे कि वे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की भी हिम्मत कर रहे थे। देखिए बहुत ही स्पष्ट समझ लीजिएगा साम्राज्य का नियम कि अगर राजा और साम्राज्य मजबूत है तो बहुत सारे मजबूत लोग भी चुपचाप बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमने हमला किया तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जब शासक कमजोर दिखाई देता है तो छोटे मोटे जो सरदार होते हैं, छोटे मोटे जो सामंत होते हैं, ये लोग भी अपनी आवाज बुलंद करने लगते हैं। और जब एक केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो यही वो कारण होता है जब विदेशी भी आक्रमण करने लगते हैं। मान लीजिए हम अगर आज ये सोचें कि भाई हमको अमेरिका पर हमला करना है तो हम देखते हैं अरे अमेरिका तो बहुत ताकतवर है, ऐसा करो हमला मत करो। और हमको किसी छोटे मोटे देश पर हमला करना होगा तो हम बड़ा ईजिली कर लेते हैं, अरे वो कुछ नहीं करेगा, कर देते हैं अटैक। हैं, ये हम लोग अपने आस पड़ोस भी देखते हैं कि कोई मजबूत होता है परिवार तो हम लोग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन कोई कमजोर परिवार होता है तो हम बेझिझक उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर देखने को मिला कि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होनी प्रारंभ हुई तो विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी शक्तियां भी उत्पन्न हो गई और उन्होंने उसका विद्रोह किया। बाहरी आक्रमण भी इसी वजह से हुए क्योंकि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजनीतिक कारण देख लिए। अब हम बात करते हैं सैन्य कारणों की। देखिए इन सबको आप लोग अभी से ही मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि फाइनली हम लोगों को मेंस लिखना है। प्रीलिम्स में अगर पास भी हो गए तो करना क्या है, है ना, हमको मेंस लिखना है, इसलिए मेंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। दूसरा है सैन्य कारण। पहले राजनीतिक कारण देखा, अब हम सैन्य कारण को देखते हैं। देखिए सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सैन्य कारण, सैन्य कारण की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो सेना थी वो सेना अब बहुत ज्यादा कुशल नहीं रही, उसमें रणनीति का अभाव आ गया, उसमें कार्य कुशलता का अभाव आ गया, साथ में वो पेशेवर नहीं रहे, उनका पेशेवर अंदाज समाप्त हो गया। इसके अलावा जो तोप
कभी बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी बाबर की, उसके बाद कोई भी नई प्रौद्योगिकी उनकी सेना के अंदर नहीं लाए, ना कोई हथियार लाए, ना कोई उसका मॉडिफिकेशन किया, उसमें कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया। जो बाबर के समय थी वही औरंगजेब के समय तक रही। तो सैन्य शक्ति में प्रौद्योगिकी की कमी या उसके औजारों का आधुनिक होने में जो कमी थी वो एक बहुत बड़ी कमी थी। इसकी वजह से वो सेना युद्धों में हारने लगी, और नहीं हारती तो बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ता था सेना को। इसके अलावा सेना में अनुशासन की कमी देखने को मिली। अनुशासन कई बार क्या होता है, युद्ध के मैदान से बहुत सारे सैनिक भाग गए, या बहुत सारे सैनिकों ने भाग ही नहीं लिया, या कोई लोग मन से नहीं लड़ा, कोई सामंत या कोई सरदार अपनी सेना लेकर नहीं आया। जब इस तरह की घटनाएं होने लगी तो पूर्व काल में इस तरह की घटनाओं पर दंड का प्रावधान था, लेकिन औरंगजेब के समय से उसमें ढिलाई देखने को मिली। औरंगजेब छोड़ दिया करता था, चलो छोड़ो। ये छोड़ देने की प्रथा ही बाद में एक बड़े वर्ग में फैल गई, और अब बड़ा वर्ग भी उसी तरह अनुशासनहीनता दिखाने लगा। जबकि सेना में अनुशासन सबसे सर्वोपरि होता है, और अनुशासन व्यक्ति को दिखाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जागीरदारी संकट हर काल में रहा है। हम जब ब्रिटिश काल पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि जागीरदारी संकट ने ब्रिटिशों की भी नींव हिला कर रख दी थी। अब जागीरदारी संकट को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बात शुरू करेंगे हम लोग अकबर के समय से। अकबर के समय से सैनिकों के लिए वेतन देने की प्रथा प्रारंभ हो गई, उनको वेतन दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अकबर से बढ़ते हैं जहांगीर, जहांगीर से बढ़ते हैं शाहजहां में। शाहजहां जब आता है तब शाहजहां पूरी तरह लाल किला, ताजमहल आदि बहुत सारे भवनों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। जब भवनों का निर्माण करना प्रारंभ करेगा तो राजस्व में कमी आएगी, और जब राजस्व में कमी आएगी तब सेना को देने के लिए वेतन नहीं बचेगा, और सेना को देने के लिए वेतन नहीं बचा तो सैनिक तो भूखे मरेंगे नहीं। फिर क्या प्रथा शुरू हुई, इनको जमीन का टुकड़ा देना प्रारंभ कर दिया। इनको क्या देना शुरू कर दी, जागीरें देनी प्रारंभ कर दी। कह दिया कि 100 गांव इस वाले सेना के अधीन रहा, ये 100 गांव इस वाले का रहा। अब ये लोग वहां से कर को वसूलने शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या कर दिया, वहां से कर को वसूलना शुरू कर दिया, और उस कर में से राजा को भी जाया करता था कर। तो ये जागीरदारी की जो प्रथा प्रारंभ हुई, जो जागीरें बांटने की प्रथा शुरू हुई, यही मेन कारण था कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गया। अब बाकी बची कुछ ही कसर शुरू कर दी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाया, उसे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता हुई, उसे बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता हुई। अब ये रुपये, ये साज सज्जा का सामान लाना, ये सेना की भर्ती करने के लिए रुपये आएंगे कहाँ से? ये भार उस वक्त आए जो जिस वक्त उस क्षेत्रों में शासन था वहाँ से उसने राजस्व बटोरा, और राजस्व बटोर का सब कुछ लगा दिया अपनी सेना पर। अब जो खर्चा सड़क निर्माण में होना था, जो खर्चा और विकास कार्यों में होना था, वो सारा का सारा खर्च होने लगा सैनिकों में, सैनिक क्रिया में शुरू हो गया। अब यहाँ पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई, लोगों के पास पैसा खत्म होना शुरू हुआ, और जब पैसा खत्म होना शुरू होता है तो लोग विद्रोह के रूप में आ जाते हैं। उस वक्त कोई ना कोई मसीहा के रूप में उत्पन्न होता है जो सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जब ये दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था तो हालांकि जमीन भी जीत रहा था, जागीरें भी जीत रहा था, लेकिन उन जागीरों से फिर जो पैसा आया वो लगा दिया उसने, फिर युद्ध में लगा दिया करता था। तो ऐसे करते करते औरंगजेब के समय आते आते उसका जो राजकोषीय खजाना था, राजकोष था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया। और पूरी तरह समाप्त होने की वजह से वहाँ की जनता ने खेतीबाड़ी बंद कर दी, क्योंकि उनसे ज़्यादा कर वसूलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पेट तो भरना है राजा को, तो वो क्या करता, ज़्यादा अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। जिन लोगों को जागीरें दी गई उन लोगों ने जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ये सब कारण मिलकर ही मुगल साम्राज्य के लिए कफन पर आखिरी कील साबित हुए थे। देखिए राजस्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और राजस्व पर अगर नियंत्रण राजा खो देता है
तब वह शासन समाप्त हो जाता है। कौटिल्य ने भी कहा था अर्थशास्त्र में कि जिस राजा का अपने यहां पर राजस्व पर नियंत्रण नहीं है वह राज्य जल्दी ही पतन की ओर बढ़ने लगेगा। यानी कि रेवेन्यू पर अधिकार राजा का होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने औरंगजेब के काल आते आते ये देख लिया कि अब राजस्व पर राजा का अधिकार नहीं बल्कि उनके सामंतों का अधिकार होने लगा, सरदारों का अधिकार होने लगा जिनको उसने जागीरें बांटी थी। इसके अलावा एक बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि लगभग 8,000 उस वक्त उमरा वर्ग में लोग शामिल थे जिनको जागीरें दी गई थी, और इन 8,000 में से सिर्फ 640 ऐसे लोग थे जो आधे से अधिक राजस्व वसूला करते थे। यानी कि जो भूमि थी वो सिर्फ 600-700 लोगों के हाथों में सीमित थी 8,000 में से। अब जब 600-700 लोग तो अमीर थे, बाकी लोग राजस्व भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे ढंग का क्योंकि उनके पास ज़्यादा भूमि नहीं थी या ज़्यादा गांव नहीं थे। अब जिन लोगों जब दूसरे को देखते हैं कि दूसरा ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो विद्रोह की भावना तो आती है, और सिर्फ 600-700 लोग कमा रहे थे, 8,000 में से 600 यानी कि 7,400 लोग उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन लोगों ने उन सरदारों के खिलाफ बगावत करनी प्रारंभ कर दी। यही हम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी देखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाकर ब्रिटेन में जाएगी तो ब्रिटेन की जो और नागरिक है उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बोले कि भाई ये तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो लोग विद्रोह कर देते हैं, और उस विद्रोह को दबाने के लिए 1813 में, उसके बाद 1833 में इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो ये जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया, राजस्व का संकट उत्पन्न हो गया जो कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का, और उत्तरवर्ती मुगल काल को तो भूल जाइए क्योंकि वहाँ धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे कि एक एक सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है। जब स्वतंत्र घोषित कर रहा है तो राजस्व का जो क्षेत्र है वो भी सिमटता चला जाएगा, राजा की जरूरतें उतनी ही रहेंगी और उसके राजस्व का जो एरिया है वो कम होता चला जाएगा। इस वजह से राजा कई सारी चीजों पर नियंत्रण खो देगा, तो जागीरदारी संकट भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा यही जागीरदारी संकट है, यही इसका आर्थिक कारण था। ठीक है, आर्थिक कारण भी यही था। इसके अलावा एक बात और की जाती है कि जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान पर निकलता था तो बहुत बड़ा लाव लश्कर होता था, बहुत बड़ी सेना होती थी, और सेना खेतों से होकर गुजरती थी, और खेतों से होकर गुजरने के केस में बहुत सारी फसलों को वो लोग नष्ट कर दिया करते थे। 27 साल रहा था, लगभग 27 ईयर्स वो दक्षिण भारत में रहा। 27 साल में वहाँ की जनता दुखी हो गई थी, त्रस्त हो गई थी, उन लोगों ने खेती करना बंद कर दिया और वो लोग सीधे सीधे विद्रोह पर, लूट मार पर उतर आए थे। और यही कारण था कि मुगल साम्राज्य में जो वहाँ की जनता थी वो बहुत ज़्यादा विद्रोह पर उतर आई, और विशेषकर दक्षिण भारत में की गई उसके खर्चे को लेकर। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण का तो सीधे सीधा अर्थ यही है कि जो औरंगजेब था ये विभिन्न प्रकार के युद्धों में उलझा रहता था। वे जनता की जो प्रमुख मुद्दे हैं, जनता के जो प्रमुख आवश्यकता हैं, उन पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता था, इसलिए जनता उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर होने लगी। इसके अलावा उसके धार्मिक कारण भी इसके जिम्मेदार बनते हैं। पांचवा लिख लीजिएगा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण तो आपको मालूम है कि औरंगजेब एक धर्मांध व्यक्ति था और वह अपना शासन शरीयत के अनुसार चलाना चाहता था। हालांकि जो देश में जनता थी वो बहुसंख्यक हिंदू थे, और बहुसंख्यक हिंदू पर आप शरीयत का कानून चलाएंगे तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों को इतिहास में मिलता है जिसने बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया था। वो कहता है कि जिस राज्य में जो जनसंख्या बहुसंख्यक हो उसके अकॉर्डिंग ही नियम बनाने चाहिए, लेकिन बाद के शासकों ने ऐसा करना गलत समझा या उनकी जो भी मानसिकता रही हो उस समय, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर बहुसंख्यक हिंदुओं पर शरीयत का कानून लादने का प्रयास किया, और यही कारण था कि बार बार विद्रोह देखने को मिल रहे थे। ठीक है, जहाँ पर जाट विद्रोह देखने को मिलता है, राजपूत विद्रोह देखने को मिलता है, रुहेलखंड का विद्रोह देखने को मिलता है, तो ये बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए थे
जिनकी वजह उसकी धार्मिक नीति मानी जाती है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि औरंगजेब प्रारंभिक काल में काफ़ी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, लेकिन कालांतर में उसकी धर्मांधता बढ़ती चली गई और उसने क्या करा, लोगों पर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने शुरू कर दी जो कभी सऊदी में हुआ करती थी, जैसे जजिया कर लगाना। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और जजिया कर की इसने बढ़ोतरी कर दी, जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया, तीर्थ यात्रा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये सब वो थे जो गैर मुस्लिम पर लगाए जा रहे थे, इसलिए वहाँ की जो हिंदू जनता थी वो अंदर ही अंदर नाराज थी और मौके की तलाश में थी कब केंद्रीय शक्ति कमजोर है और हम लोग इसका विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे। और यही औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें मौका मिल गया था। ठीक है, तो उसकी धार्मिक नीति थी वो काफ़ी धर्मांधता थी, धर्म के प्रति थी, इसलिए उसमें पतन की ओर बढ़ने की ओर कार्य कर दिया था। धार्मिक कारण के अलावा औरंगजेब की दक्षिण नीति जिम्मेदार थी और सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति देखिए, आप लोग खुद सोचिएगा कि ये 27 ईयर 27 साल दक्षिण भारत में रहता है। अगर ये दक्षिण भारत में है तो उत्तर भारत और कंधार तक का क्षेत्र बिना राजा के है इस वक्त, और जब बिना राजा के है तो यहां पर राजा का डर ही नहीं है, इसलिए यहां के जो सरदार थे वो विद्रोह कर देते हैं। इसके अलावा दक्षिण की तरफ जाने पर इसे बहुत सारे जन और धन की हानि हुई थी, और धन की हानि होना, जन की हानि होना लोगों में बगावत को बढ़ा देता है। धन की कमी मैंने बताया था भी आर्थिक कारणों में, जन की कमी जब लोग मरने लगेंगे, इतने सारे सैनिक शहीद होने लगेंगे या मरने लगेंगे युद्ध में, तो वहाँ का उनका जो परिवार है वो उस राजा से रुष्ट हो जाएगा कि राजा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी जनता की जो जान है वो दांव पर लगा रहा है। और औरंगजेब की जो दक्षिण भारत की नीति थी ये ही मेन कारण, मुख्य कारण मानी जाती है मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, इसके अलावा अभी बातों बातों मैंने बताया कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, यानी कि बाह्य आक्रमण होते हैं, और बाह्य आक्रमण होने का जो प्रमुख कारण है, बाह्य आक्रमण होने का जो प्रमुख कारण है वो कारण यही है कि केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी। अगर केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी तो किसी भी व्यक्ति को आक्रमण करना आसान होगा। जब औरंगजेब 27 ईयर्स दक्षिण में रहा है और इसके बाद तो उत्तरवर्ती मुगल शासक तो बस काम चलाने के शासक थे, पूरी तरह सैयद बंधुओं का, उसके बाद निजामुल मुल्क था, इन लोगों का अधिकार हो जाता है और शासक इनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। उसी समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और ये बाह्य आक्रमण और इन पर चोट मारते हैं। पहले ही उस पत्थर पर बहुत चोटें लग रही थी और आकर इन बाह्य आक्रमणकारियों ने और ज़्यादा चोट मारी और वह पत्थर जो कि मुगल साम्राज्य कहलाता था वो छिन्न भिन्न होना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा नई शक्तियों का उदय हुआ, इसके अलावा क्या हुआ, नई शक्तियों का उदय हुआ। नई शक्तियों में उदय में आप लोगों को मालूम ही है, नई शक्तियों का उदय हुआ। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहां पर अपना प्रचार और प्रसार करा उसका कारण केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना, यानी कि मुगल साम्राज्य का कमजोर होना है। और मुगल साम्राज्य जब कमजोर हुआ तब ही इन यूरोपियन कंट्रीज को, इन विदेशी कंपनियों को भारत में पैर जमाने की आज्ञा मिली या अनुमति मिली। आ तो ये 1608 में गए थे, लेकिन 1757 लगभग 150 साल तक इन्होंने सिर्फ व्यापार किया, इनको यहाँ पर पैर जमाने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि केंद्रीय शक्ति मजबूत थी। लेकिन इन 50 सालों में 1707 से लेकर 1757 तक, इन 50 सालों में वो केंद्रीय शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि एक ब्रिटेन के लोग आकर भारत पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। ठीक है, अब इसके अलावा जो नई शक्तियों का उदय हुआ, आप देखें मराठा हुए, जाट हुए, रुहेलखंड के हुए, अवध के हुए, इसके अलावा अहमदनगर के हुए, ये लोग क्या हुआ, बंगाल के शासक हुए, इन लोगों ने धीरे धीरे कर अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई,
और ये छोटी छोटी शक्तियां वहां पर उभर कर सामने आने लगी। ठीक है, तो ये सारे वो कारण थे जो जिम्मेदार थे मुगल साम्राज्य के पतन के। मानचित्र आप आवश्यक रूप से अपने साथ लें। जब इन दो मानचित्रों की ही तुलना करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कमी कहाँ रही होगी। बाकी आपको सोचना है कि आप उसको किस प्रकार लिखते हैं और समझते हैं। आज का क्वेश्चन जो मेंस राइटिंग के लिए होगा वो ये होगा कि क्या कारण थे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। क्या कारण थे या मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारक या उत्तरदायी थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के आज का प्रश्न क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। ठीक है, तो इसको 150 वर्ड में आप लोग लिखिएगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे और अपने आंसर को कमेंट में डालिएगा, अपने आंसर को कमेंट में डालिएगा जिससे कि दूसरे ये लोग भी पढ़ सकें और आप भी दूसरों के कमेंट या दूसरों के नोट्स पढ़ सकें जिससे कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न था कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, 150 वर्ड में लिखिएगा, मैं सभी लोगों के आंसर को पढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसे आपसे मैं मार्किंग करूंगा और आप लोग भी एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा और मानचित्र का सर्वाधिक यूज कीजिएगा। जहां कहीं भी आपको लगे कि मानचित्र बन सकता है तो मानचित्र आप लोग आवश्यक रूप से बनाएं जिससे कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने एक अपना टॉपिक कंप्लीट किया, मुगल साम्राज्य का पतन। इसका आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, एक आप लोग डेली क्या क्या चीज करनी है, महीने में दो मैगजीन को अवश्य पढ़ेंगे, दो मैगजीन को अवश्य पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र और योजना को, कुरुक्षेत्र और दूसरी योजना को। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़ेंगे, कोई मंथली मैगजीन भी आवश्यक रूप से आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक मंथली मैगजीन भी आप आवश्यक रूप से पढ़ेंगे। तो ये चीजें तीन तो आपको डेली करनी है, इसके अलावा न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की आप लोग बिपिन चंद्रा ले लीजिए, चाहे बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम ले लीजिए, राजीव अय्यर की है, स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, राजीव अय्यर की पुस्तक है, इसको ले लीजिएगा आप चाहे, दोनों अच्छी पुस्तक है। ठीक है, राजीव अय्यर को ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डेली मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग लिखिएगा और कमेंट में उसको पोस्ट कीजिएगा जिससे कि मैं पढ़ सकूं। तो हमारा संकल्प 2021 की क्लास प्रारंभ हो चुकी है, कैसी लगी आप लोगों को ये कमेंट कीजिएगा और नोट्स आप लोग बनाते रहेगा, ये पुस्तक ले लीजिएगा, इन पुस्तक की मदद से, मेरी मदद से आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहेगा, क्योंकि परीक्षा के समय ना तो वीडियो काम आएगी, ना कुछ और काम आएगा, ना पुस्तक काम आएगी, उस वक्त काम आएगा आपके बनाए हुए नोट्स। और नोट्स किस तरह बनाने हैं मैं एक दिन बताऊंगा आप लोगों के लिए कि नोट्स किस प्रकार बनाने हैं। फिलहाल आज आप लोगों के लिए होमवर्क मिल चुका है, आप मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का नोट्स बनाएंगे, दूसरा आप क्वेश्चन को जो लिखा है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए, इस क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को डेली क्या करना है, ये होमवर्क दे दिया। मैं हर सैटरडे के लिए एक क्लास लिया करूंगा जो कि कुरुक्षेत्र या योजना से संबंधित हुआ करेगी, तो पूरा 14 महीने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा, पूरी तैयारी हम लोग करेंगे, सारे पेपर की तैयारी करेंगे। तो आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके आप लोग नोट्स बनाएंगे और साथ में इसके आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे, देखिएगा कितना यूजफुल रहता है। और अपने दोस्तों साथियों मित्रों को जरूर शामिल कीजिएगा कि जिससे कि कंपटीशन बढ़ सके और उस कंपटीशन का आप फायदा उठा सके। 2021 का हम लोगों को फॉर्म भरना है और क्वालिफाई होना है। तो इन्हीं शब्दों से आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्हीं शब्दों से मुझको अनुमति दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और आपकी परीक्षा की तैयारी लगातार चालू रहेगी। तो आज का होमवर्क आपको करना है, क्वेश्चन लिखना है, तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।